फीडबैक देना चाहती हूँ। जो ये चॉकलेट है ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो गलती मेरी है, मैंने देख के नहीं लिया, मैंने सीधे बैंक से अभी आए हैं ये पैसे, इसलिए इसने इतने पुराने नहीं आ पाती है। पायल किसी लड़की का नाम नहीं है, वो एक पाँव में पहनने वाला लड़कियों का आभूषण। रेड कलर की बिंदी लगा हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिमानी कोरुंगा ब्लॉग्स पे। तो कैसे हैं सब लोग, होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हैंड टेढ़ा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आज मैं सीधे कैमरे से बना रही हूँ। मैं और टाइम पे ऐसे बैक कैमरा करके पकड़ती हूँ तो फिर उसमें ऐसे ही करके टेढ़ा दिख जाता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, आटे लगो तो वैसे है तो ये टेढ़ा क्योंकि बचपन में एक बार मैं शायद गिर गई थी ना तब, बट वैसे ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं वैसे ही, चाची का व्रत होगा तो आज नौवा दिन है, तो फिर कन्या को खिलाएंगे वहाँ घर जाके। तो सामान लेने के लिए जा रही है ये है, और हम जा रहे हैं। मैंने आज मुंह भी नहीं धोया, सर बाल भी नहीं बनाए, वैसे ही जा रही हूँ मैं। बाजार में भी कौन देखता है ना। वैसे देखिए यहाँ पे नवरात्रि का सामान लेते टाइम पे भी बहुत कंजूसी हो रही है, पर मुझे ये मिल गया है अब। एक बिंदी का पैकेट है ये मेरे लिए हो गया। एक कन्या मैं भी तो हूँ ना, एक यो एक यो यो तो नहीं लिखाना यार मैं चॉकलेट ही नहीं करी उन्हें। कन्या आम लो होया मेगला चनपट अम्मा के लिए महंगा महंगा। अरे अम्मा का वही नून खुली फिट नून जा रहे हो यू वाला है, ये बड़े हैं बड़े हैं। हाँ यार 12 इंच वाले रखे ना इस बार मोटे पैर वालों के लिए सारे, ये तो 10 इंच का आता है पानी, ये देखो हमने 12 इंच का डिमांड है। अच्छा नहीं बचे हैं देख। हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है। हाँ नहीं आ गया, आ जा रही आराम से तो दिया। हाँ हाँ आ जा रही 180 ये बैंक से अभी आए हैं ये पैसे, इसलिए इसने इतने पुराने लग रहे हैं। ₹150 आ गए तुम्हारे खुले, 30 दिन आए थे चिल्लर दे देते। आज मुझे इतने चॉकलेट मिले हैं, देखिए 5, 5, 10, 15, 20, 25, 50 पता नहीं कितने हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, इतना मुझे हिसाब लगाना नहीं आ रहा हो। तो अब हम चलते हैं घर, फिर उसके बाद फिर अम्मा के आज पहली बार अम्मा के पाँव के लिए आज पहली बार अम्मा के जो पाँव है ना वो बहुत मोटे हैं, तो फिर जो पायल होती है वो कभी अम्मा के पाँव में नहीं आ पाती है। पायल किसी लड़की का नाम नहीं है, वो एक पाँव में पहनने वाला लड़कियों का आभूषण है, तो अम्मा के पाँव में फिट नहीं हो पाती थी, तो आज बड़ी मुश्किल से मिली। वो जब भी मैं लेके आ जाऊँ मुझे मिलता ही नहीं है, तो आज चाची लेके आ रही थी तो पहले से ही उनको दुकानदारों को उनको पता था कि उनके पाँव में नहीं आती, तभी वो कहते आज हमने बड़ा साइज मंगा रखा है। मैं फीडबैक देना चाहती हूँ, जो ये चॉकलेट है ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो गलती मेरी है, मैंने देख के नहीं लिया, मैंने सीधे चॉकलेट देखे और मैं पकड़ के लेके आ गई। जब मैं इसका खाने का जो स्वाद है मैं वो देख रही हूँ तो अब क्या बताऊँ फिर। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करना, और जितने भी शॉपकीपर हैं वो लोग जो है सामान को जो पुराना वाला है कृपया करके उसको दान में किसी भिखारी को दे रहे हैं, ऐसे कस्टमरों को बेचे ना। और ताकि अब गांव में ऐसा होता है ना, कोई भी लोग एक्सपायर डेट नहीं देखते हैं, जो भी होता है सीधे अपने मन से, चलो हम तो देख लेते हैं कहीं कहीं पे, बट मैंने आज नहीं देखा वो अलग बात है। मैं भी वैसे छोटी छोटी चीज़ों में इतना नहीं देखती हूँ जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों में देख लेती हूँ। तो गाँव में ऐसा होता है कि जो बड़े हो या छोटे हो कोई भी लोग जो है नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ध्यान आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं और दुकानदार जो होते हैं वो पढ़े लिखे ही होते हैं, तो
उनको पता होना चाहिए कि वो जो है कस्टमरों को ऐसे ना दे ना किसी चीज़ से, जैसे चिप्स वगैरह कुरकुरा वगैरह भी उसमें भी बहुत ऐसा होता है, मतलब एक्सपायर डेट हो जाती है और वो पुराना हो जाता है काफ़ी साल पुराना, फिर वो वैसे ही दे देते हैं बच्चों को, बच्चे वैसे ही खा लेते हैं, इससे साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तभी अभी मैं ये खा रही हूँ तब मुझे देखा मेरी बिंदी लिली बिंदुली छुटा, अरे इसमें ब्लैक वाला होता और भी अच्छा लगता, अरे रेड वाला है। तो गाइस अभी धूप लगी है दिन में और अम्मा काम बता रही है, ये हैं बहुत लेंटर में काम लगूं इनको सुखाने के लिए, ऐसा तो टेंशन है एकमात्र ये बचा है। अब इसके जो अंदर के जो बीज हैं उनको सुखाया जाएगा, फिर जाके दूसरी अब अगले साल को ककड़ियाँ होंगी। मतलब अभी 4 ही बजे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी सब्जी काट रही है, मतलब हम लोग ना थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वैसे 6-7 बजे तक हम खा लेते हैं, मतलब शाम के 7-8 बजे तक सबसे जल्दी हम ही खाते हैं। तो मतलब मैंने सब्जी काट दी है, अभी थोड़ी देर के बाद फिर रोटी बनाऊंगी, मतलब लेट लेट ही बनाऊंगी, उसको मैंने काट के रख दिया है अभी, क्योंकि कुछ काम भी नहीं था तो इस वजह से मैंने सोचा कि सब्जी काट लूँ करके तभी। और अभी मौसम देखो ऐसा हो रहा है, बारिश होने का जैसा हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में ठीक है, बाय टाटा। और तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ टेढ़ा है, हैंड टेढ़ा है, तो मेरा हाथ ना ये, मैं इस वाले हाथ से मैं ऐसे करके ब्लॉग बैक कैमरा से बनाती हूँ, आज मैंने फ्रंट से ही कर रखा है, मैं वैसे बैक ऐसे उल्टा करके पकड़ती हूँ ना तो हाथ टेढ़ा जैसा दिखता है, अभी दिख रहे है? तो तब ये एक्चुअली मैं ना बचपन में मैं गिर गई थी ना कहीं पे, तो फिर मम्मी ने, जब मम्मी मुझे उठा रही होगी, मतलब मैं कहीं खेत में गिर गई थी शायद, तो मम्मी मुझे ऐसे करके ऊपर निकाल रही होगी, तो बच्चों का ना हमेशा ऐसे शोल्डर से पकड़ना पड़ता है, तो मम्मी ने मेरा हैंड पकड़ा होगा, तो यहाँ से मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, क्रैक हो गया था बचपन में जब मैं छोटी थी, तो अभी ठीक है, मतलब एकदम से ऐसा मत सोचना। तो ठीक है फिर बाय, अब मैंने बता दिया है, तो बार बार अब जो है हैंड टेढ़ा करके तो कमेंट मत ही करना, ठीक है, चलो फिर बाय टाटा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।